वैसे तो मैंने सोचा था कि कोई खुशखबरी लेके आऊँगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी यूथ पॉलिसीज को अभी तक ख़त्म नहीं किया गया, जिस तरह से SRO 202 और बाकी सारी चीज़ें हम कई बार हाईलाइट कर चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, 50,000 नौकरियाँ, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी अभी तक चेंज नहीं आई है। SRO 202 वैसे के वैसा चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट वैसी है, 50,000 नौकरियों में अभी तक एक नौकरी भी नहीं मिली है। और इसी बीच में एक नया और फरमान जारी हो जाता है कि जो UPSC का मुद्दा सबसे पहले हमने उठाया था, जिसमें 80 से 89 की एज ग्रुप में जो बच्चे फॉल करते हैं उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती थी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया है, तो वो चीज़ जो है वो UPSC रहने दे, उसके ऊपर ना कोई भी बात करे। लेकिन आज की ही खबर है कि उसको जो है हटा दिया है, जिसके ऊपर युवा नाराज़ है, यूथ में गुस्सा भी है कि आखिरकार अगर आप SRO 202 नहीं हटा सकते तो जो कुछ चीज़ें चल रही थी उसको तो नहीं हटाना चाहिए था। कवल, SRO 202 तो हटा नहीं, और जो एक रिलैक्सेशन थी वो हटा लिया गया, आपको लगता है कि एक जायज़ है हमारे यूथ के साथ? सर, ये टोटल इनजस्टिस है, ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है सर, और शुरू से हमने देखा है कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर के यूथ का सवाल है, उनके रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसी विज़ाविज़ निकाली जाती है वो हमेशा एंटी यूथ होती है। सर, UPSC एज रिलैक्सेशन स्क्रैप करने का कोई रीज़न सॉलिड बनता नहीं है। रीज़न विच हैव बीन गिवन फॉर स्क्रैपिंग द एज रिलैक्सेशन क्लॉज वो ये है कि सिचुएशन अब नॉर्मल हो चुकी है। आई फील से सिचुएशन हैज़ वर्सन्ड। यू लुक एट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पॉलिटिकल टर्मोइल है राइट नाउ हमारी स्टेट में, 10 साल का कॉन्फ्लिक्ट था, डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन रही थी, उसका जो आफ्टरमैथ था वो कई साल कंटिन्यू रहा था। तो आप जो एक सोल प्रोविजन था एक्सटेंडेड टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आप वो स्क्रैप कैसे कर सकते हैं? और वो प्रोविजन जो लाइफ लॉन्ग था ही नहीं, वो ये लाइफ लॉन्ग था नहीं, 2026 में ऑटोमेटिकली इसका एक टाइम पीरियड था, 2026 में एज रिलैक्सेशन क्लॉज ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाना था। आपके सामने SRO 202 है, कैंडिडेट्स आर आउट देयर, दे आर प्रोटेस्टिंग, बट उसमें आपने चेंजेस नहीं लाई। SRO 202 इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो राइट पे, जो इक्वल पे और इक्वल वर्क के लिए जो पॉलिसी के अगेंस्ट है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में इक्वल आपके लिए राइट्स के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है उसके अगेंस्ट है, बट जो प्रोविजन एक्सटेंडेड थे, जो बेनिफिट स्टेट को एक्सटेंडेड था, आपने स्क्रैप कर दिया। सर, जो भी मिलिटेंसी का दौर रहा है, यूथ हैज़ बीन अफेक्टेड, और ये एज रिलैक्सेशन सिर्फ UPSC एग्जामिनेशन के लिए एक्सटेंडेड नहीं था, जितने बैंकिंग एग्जामिनेशन थे, अदर SSC स्टेट एग्जामिनेशन थे, उनके लिए भी एक्सटेंडेड था। अब एक डायलमा सा क्रिएट हो गया कि यूथ जाएगा कहाँ। आप लाइब्रेरी जाओ, मोस्ट ऑफ द यूथ इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर UPSC एग्जामिनेशन फॉर द लास्ट 6 to 7 months। आज उनको पता चलता है दैट दे आर नॉट एलिजिबल। आप बताएं सर, वो कहाँ जाएंगे? आप जॉब्स दे नहीं रहे, स्टेट में कोई यूथ के लिए पॉलिसी नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हमें कोई नया एवेन्यू दो, बट जो ऑलरेडी एक्सटेंडेड प्रोविजन है UPSC एज रिलैक्सेशन के, वो आप क्यों स्क्रैप कर रहे हो? सर, दैट इज़ टोटली डिस्क्रिमिनेटरी, और हमें ज़्यादा कोई ज़्यादा बेनिफिट दिया नहीं गया। आप एक तरफ रीजन साइट होता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी एज रिलैक्सेशन डिमांड कर रहे हैं UPSC एग्जामिनेशन। सर, हर स्टेट का अपना एक हिस्ट्री होती है, अपनी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है कॉन्फ्लिक्ट की, और जम्मू कश्मीर को जो ये एज रिलैक्सेशन दी गई थी, इसके बेसिस बिल्कुल अलग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल अलग हैं। और नॉर्थ ईस्ट को आपने कितने और स्पेशल प्रोविजंस एक्सटेंड किए गए हैं जो जम्मू कश्मीर को नहीं दिए गए। आपका मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि व्हाई, व्हाट्स द फन ऑफ अनटाइमली स्क्रैपिंग द एज रिलैक्सेशन क्लॉज? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है? आप हमेशा पार्लियामेंट में बोलते हो रीजनेबल क्लासिफिकेशन। क्या ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन में फॉल नहीं करता कि फार फ्लंग एरियाज में, आपके बॉर्डर एरियाज में, क्रॉस शेलिंग में बच्चे पढ़ते हैं, किश्तवाड़ जैसी तहसील में बच्चे पढ़ रहे हैं और UPSC एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं? क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी चाहिए? क्या उनको इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए? सर, सारी पॉलिसीज एंटी यूथ, सर सारी पॉलिसीज डिस्क्रिमिनेटरी हैं। आप बताओ यूथ जाएगा कहाँ? आपके सामने JK बैंक वाले बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर द लास्ट 8 months की हमारा रिजल्ट निकालो, वो कभी यहाँ लग रहे हैं, उनको यहाँ, उनको हर तरह से किया जा रहा है, उनको कोई लॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। आज लोग अखबार उठाते हैं कि यार आज ये नोटिफिकेशन आएगी एग्जामिनेशन की, ये पोस्ट एडवर्टाइज होंगी, हम अखबार उठाते हैं, देखते हैं यार सारी पॉलिसीज एंटी यूथ, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज पास किए जा रहे हैं। आप एज रिलैक्सेशन क्लॉज को स्क्रैप करने का कोई रीज़न बनता ही नहीं, और ऑलरेडी हमारी स्टेट अफेक्टेड है। सर बिल्कुल, कमर मैं एक बार फिर से आपके पास आऊँगा। वंदना जी, पहले भी इसी मुद्दे के ऊपर हमने बात की थी, और आज इस तरह की न्यूज़ आती है, प्रॉब्लम क्या है उनको? अच्छा ठीक है, मैं आपसे ये आज आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ। ये मेरे पास पूरी एक डिटेल है, ठीक है, मेरे पास पूरे ये हैं, क्या बोलते हैं, फैक्ट्स हैं, मैं उस पर आपको बताती हूँ। नंबर वन, हमारी JNK मिलिटेंसी में, ठीक है, सेकंड नंबर है करप्शन में, थर्ड नंबर है कहाँ, अन
एम्प्लॉयमेंट में, और आज क्या है, यूथ डिस एम्पावरमेंट। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि सारा यूथ इकट्ठा हो, गवर्नमेंट से पूछे कि उनको प्रॉब्लम क्या है यूथ से, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए। जहाँ तक यूपीएससी एज रिलैक्सेशन का ताल्लुक है विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, तो जैसे कमल भाई ने भी कहा कि मिलिटेंसी हिट स्टेट रही जब 1990s में ही हमारे हालात ख़राब होना शुरू हो गए, तो ये वही जनरेशन खड़ी है जो उस वक्त पैदा हुए। तो एक जो क्लास दिया गया था 1980 से 1989 के बीच, एक रिलैक्सेशन जो 1995 में इम्प्लीमेंट हुई, तो वो रहनी चाहिए यहाँ पर। इसकी कुछ वजूहत हैं, मैं एक दो सॉलिड रीजन आपके पास रखूँगा। सबसे पहली रीज़न ये है सर कि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए और बाकी वाली स्टेट्स हिंदुस्तान की जितनी भी हैं, इंडिया की, उनकी बात की जाए, तो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में हमें 22-23 साल लग जाते हैं। हालात ऐसे हैं, कभी पेपर होते हैं, कभी पेपर नहीं होते, कभी कुछ प्रॉब्लम चलती है, कभी कुछ प्रॉब्लम चलती है। और बाद आप बाद वाली जो हमारी इंडिया की बाकी स्टेट्स हैं वहाँ देखेंगे तो 21-22 साल की उम्र में बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठ जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा रीजनेबल है कि आप 32 साल तक कम्पीट करेंगे और 32 साल के बाद नहीं है। जहाँ पर आप देखेंगे पिछले जब 370 के बाद ये अगर हम छोटा सा सिनेरियो देखा जाए, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बंद रही या कॉलेजेस बंद रहे, उससे पहले जो बीच में हालात ख़राब रहे, तो उसमें भी टाइम टू टाइम किस तरह से, जिस तरह पुंछ रजौरी की बात की जाए, मिलिटेंसी इतनी इन्फेस्टेड थी कि हम वहाँ पर पेपर देने जाते थे तो वो बोलते थे नहीं यार आज पोस्टपोन है, आप कल आना पेपर देने के लिए, या कुछ इस तरह के हालात बनते थे। एक तो यहाँ स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं रही है जो फर्स्ट बात है, और 24-25 साल की उम्र में बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, और यहाँ पर आके हमें जो फर फ्लॉन्ग एरियाज़ हैं, कुछ गवर्नमेंट ने इस तरीके के काउंसलिंग सेंटर्स तो नहीं रखे हुए कि हमें पता हो ये IAS है या KAS है, तो यहाँ आके लोगों को इस चीज़ का पता चलता हो, बेचारे जब तक आँख खोलते आँखें मलते अपनी तब तक गाड़ी निकल चुकी होती है। तो ये जो एक प्रोविज़न एक दिया गया था, एक क्लास रखा गया था इसका एज को लेकर, तो ये बड़ा एक अच्छा और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन थी और एक बड़ा पॉजिटिव पहल थी इस चीज़ को लेकर कि यहाँ के लोग भी कम्पीट करेंगे, यहाँ के लोग भी आगे जाएंगे, तो ये एक जो है सहतनाशनाई है इसमें। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ यूथ के हवाले से, आज की डेट में अगर आप जम्मू में देखें, खाली जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, तो 30-40 जो है प्राइवेट लाइब्रेरी चल रही हैं और वहाँ पर बच्चे बैठे हैं 5 अगस्त के बाद ही, और वो डटे हुए हैं पूरी तरीके से कि आज कुछ होगा अच्छा, आज हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। गवर्नर में पहले भी बोल चुका हूँ, बड़ी बार सत्यपाल मलिक साहब आए कहने लगे 50,000 जॉब्स हैं, तो 50,000 जॉब्स गई कहाँ पर, 2-3 महीने में हम उनको ऐड करने वाले हैं, यहाँ पर सब चेंज हो जाएगा, सब तरफ जो है वो रोज़गार होगा, कोई भूखमरी नहीं होगी, सब अपनी जगह खुशखुशहाली से। वो चले गए गोवा अपने साथ 10,000 नौकरियाँ बीच में से ले गए, मुर्मू साहब आए बोलने लगे नहीं 50,000 नहीं है अब 40,000 रह गई हैं, उस पर भी कोई बात नहीं हुई। अब तक 2 नोटिफिकेशन आई हैं, एक मुनसिफ को लेकर जिसमें स्टेट सब्जेक्ट चाहिए था, और एक क्लास 4th को लेकर जिसमें स्टेट सब्जेक्ट नहीं चाहिए था, दोनों की दो नोटिफिकेशन जो है वो विथड्रॉ हुई। यहाँ पर गवर्नमेंट को यही क्लैरिटी नहीं है कि स्टेट सब्जेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। पिछले दिनों मेरी किसी से बात हुई, उसने कोर्ट का एडवोकेट लाइसेंस के लिए फॉर्म भरना था, वहां पर भी उनको कहा गया आप स्टेट सब्जेक्ट दीजिए, उसके बगैर आपका काम नहीं बनने वाला। तो गवर्नमेंट को एक उस पर आना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन पर कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से हम आगे जाएंगे। कोई गैजेटेड नोटिफिकेशन आज तक इश्यू नहीं हुई है, 180 दिन हो गए कि आगे एम्प्लॉयमेंट का खाका क्या रहेगा, कोई जॉब नोटिफिकेशन या जॉब पॉलिसी नहीं है यूथ को लेकर। हर साल मैं पहले भी काफी बार बोल चुका हूं कि हम अपने कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटी से कम 70-80 हज़ार स्टूडेंट जो है वो निकाल के लाते हैं बाहर। तो जैसे जम्मू कश्मीर की बात की जाए पुंछ रजौरी में, जहां LOC पर डेली गोले चलते हैं, पुंछ से लेकर आप कठुआ देखें और उड़ी वाला एरिया देखें और करना वाला एरिया देखें, तो वहां पर हालात बद से बदतर हैं। और जहां पर डाउन टू द साउथ, जहाँ से चंद्रयान मिशन लॉन्च होते हैं, जहाँ से इसरो मिशन लॉन्च होते हैं, तो हमारा और उनका मुकाबला किस तरीके से हो सकता है। ये नहीं कि हम कंपटीशन से डरते हैं, हमने 3-4 IAS में टॉपर्स दिए, नीट में लास्ट टाइम हमारा टॉपर था, असिस्टेंट कमांडेंट से हमारा उधमपुर का लड़का टॉपर था, तो लेकिन जॉब जो है वो हमारा राइट है, हम इस सिचुएशन में नहीं रखे गए हैं जहाँ हम एक रीजनेबल तरीके से कम्पीट कर सकें, तो इसलिए हमें रिलैक्सेशन या इस तरीके हम इसलिए मांगते हैं ताकि हम उस सिस्टम में बने रहें। आप बिहार की एग्जांपल लीजिए, यूपी की वो लोग यहाँ पर काम करते हैं, हम बोलते हैं नहीं ये लोग कुछ नहीं है, और आप देखें जब इंडिया की लिस्ट आती है, जब UPSC IAS फाइनल सिलेक्शन लिस्ट की, तो 60% से ज़्यादा उन लोगों का शेयर होता है जिनको हम यहाँ मार्क मतलब कुछ तरीके से उनको हम नहीं मानते, अपने बराबर नहीं रखते। तो ये जो प्रोविजन जिस तरह से अबालिश किए जा रहे हैं, ये यूथ को जो बेचारे ऑलरेडी पोवर और हेल्पलेस यूथ है उनको बराबर एक पस्से पुश्त में डालने की बात है। आप यहाँ देख लीजिए उसके
बाद एक और आज की जो बड़ी खबर जो आई है वो केएस कैडर जो था स्टेट कैडर वो अबॉलिश हो गया है और अब अगमुट कैडर हो गया है, जिसमें क्या अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम को छोड़ के जितनी भी यूटीज हैं उसमें 2020 के जितने भी बच्चे केएस करेंगे, जो एजेकेएस बनने वाला है आल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो वो वहाँ पर भी जाके आप यकीन करें कि 4-6 UT हैं और 3-4 ये स्टेट्स मिलके 10 हो गई। तो जो बंदा यहाँ से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करेगा वो 10 साल उधर, अगर 2-2 साल भी लगाएगा 20 साल उम्र ख़त्म उसकी। तो पहले ये होता था लोग यहाँ के बंदे यहाँ बैठ के यहाँ कम्पीट और अपने लोगों को अच्छी तरीके से सर्विस करते थे, तो हम बाहर जाएंगे तो किस तरीके वहाँ का कल्चर समझेंगे या वहाँ का एक सिस्टम समझेंगे या वहाँ का एक रहन सहन किस तरीके से होगा। उसके बरक्स एक दूसरी एग्जाम्पल मैं देता हूँ आज की डेट में, देखिए आप ठीक है सिस्टम खोल रहे हैं, हमारे लोग कंपिटेंट नहीं है, डीसी शाहिद इकबाल चौधरी की आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जो इंडिया में आज भी जो बेस्ट आईएएस ऑफिसर है, बेस्ट ब्यूरोक्रेट है, उनका अवार्ड वो लेते हैं हर साल, पिछले काफ़ी सालों से रह रहे हैं। सिमरनदीप सिंह देख लीजिए, राघव लंगर साहब देख लीजिए, उसके बाद और जितने हमारे आईएएस ऑफिसर जो हमारी स्टेट में, और उन्होंने अर्सवाइल स्टेट ऑफ जेएंडके में थे, अब यूटी में, और उन्होंने स्टेट का नक्शा बदल दिया रातों रात। तो हमारे लोग ये नहीं है कंपिटिशन में नहीं है या कंपिटेटिव नहीं है। तो 2-4 बातें लास्ट पर मैं करूँगा, एक तो ये है 50,000 जॉब्स का वो डिलीवर होना चाहिए, इस वक्त बड़ी ब्रीविंग रिजेंटमेंट है यूथ में, हर तरफ एंग्विश है, हर तरफ जो है एक खस्ता हाली है, और इससे पहले कि ये यूथ सड़कों पे हिट करे सिचुएशन जो है वो बद से बदतर हो, तो गवर्नमेंट को मैं यहाँ से चेतावनी भी देना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, दो चीज़ें बराबर हैं कि कम से कम जो जॉब का इशू है इस पर डिलीवर किया जाए। लास्ट मेजर रिक्रूटमेंट जो जम्मू प्रोविंस में और जम्मू कश्मीर में टीचर्स की लेके हुई है वो 2013 में हुई है मेजर रिक्रूटमेंट, और 15 में हुई थी, उसमें टीचर्स की कुछ पोस्टें थी वैली के लिए और जम्मू प्रोविंस की कुछ डिस्ट्रिक्ट थी, उसमें 2-3 सारी डिस्ट्रिक्ट नहीं थी। पिछले 6 सालों में 6 लाख से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट लोग बैठे हैं। आपने पिछले दिनों एक मजाक किया, पीजी स्कॉलर्स के नाम पर आपने रजिस्ट्रेशन कराई, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाद लंबी लंबी लाइनें लगी, उनको कहने लगे आपको हम कोई हफ्ते का या महीने का कुछ करके आपको कंपनसेट करेंगे, हम लिस्ट बना रहे हैं आपकी फास्ट ट्रैक जॉब करेंगे, किधर है वो। उसके बाद तीसरा बड़ा इशू है सारो 202 का है, जो पिछले दिनों भी आपने ही पहले हाईलाइट किया, आप डिफरेंट मीडिया चैनल्स अपनी अपनी जिस तरीके से भी है टीआरपी बढ़ाने के चक्रों में वो लगे हुए हैं। तो 202 एक किस्म की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी 2015 में आया और उसमें कहा गया कि आपकी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होगी, आपको हम रातों रात जो है वो पूरा ट्रांसफॉर्म कर देंगे। आप यकीन माने कि पिछले 6 साल हो गए नायब तहसीलदार की जो एक नोटिफिकेशन 2015 में निकली थी आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। आज लोग अवरेज हो रहे हैं, आज लोग जो है वो हैंड टू माउथ हो गए, बिल्कुल यूथ बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया, आज लोग ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं। ये लोग जो कल देश का फ्यूचर थे, देश को कहीं आगे ले जाते, आज इनको अंधेरे और जुल्म के सिवा कुछ भी नहीं दिखा जो दिख रहा। सही बात है और इसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए, खास करके 50,000 नौकरियाँ और जो UPSC की एज रिलैक्सेशन थी उस डिसीजन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग अभी भी बैठे हैं जो एंटी यूथ पॉलिसीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको हटाना ही है तो SRO 202 हटाएं, जो कि एंटी यूथ है, ना कि एज रिलैक्सेशन, जो कि बच्चों को अगर नौकरियां निकलती तो नौकरियां देती। देखते रहें JK मीडिया, आशीष कोहली JK मीडिया के लिए, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ, जय हिंद।